तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। आज सीधे टॉपिक पर आते हैं, शेयर चैट वर्सेस टिकटॉक। तो कौन सा ऐप है जो सबसे अच्छा है और किस में अच्छी ग्रोथ है, किस में अच्छा फ्यूचर है, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और हमको साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, नीचे लिखा आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बात यह है भाई कि शेयर चैट पर आप अर्निंग करते हो, ये बात तो फैक्ट है। बहुत से लोग अभी नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन शेयर चैट की बात एक ऐसी है कि आप उस पर अर्निंग तो कर रहे हो लेकिन आपकी एक फेस वैल्यू भी है। अब बात वहाँ अगर टिकटॉक की करें तो टिकटॉक पर आपकी फेस वैल्यू है सिर्फ, अर्निंग का सोर्स जो है वो है लेकिन कुछ टाइम बाद है, और वो भी उस टाइम के बाद जब आप एक फेमस किरदार में बदल जाते हो, यानी कि आप एक फेमस जब हो जाते हो या फिर आपकी वीडियोस वायरल हो जाती है या आपके जो अंदर एक अलग सा टैलेंट है, एक यूनिक सा टैलेंट है, जब वो टैलेंट लोगों तक पहुंचता है तो ऑफिशियली आपको क्या नाम है, लोग रीच करने लगते हैं, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं तो ऑलमोस्ट देर वो आपकी जगह बना लेता है। तो वहाँ पर उसके बाद आपको फेमस होने के चांस मिलते हैं जिसके बाद आप अर्निंग का सोर्स वहाँ से कर सकते हो। लेकिन बात करें अगर शेयर चैट की, तो शेयर चैट पर आप अपने फेस वैल्यू तो बना ही रहे हो लेकिन साथ साथ आप उससे अर्निंग भी कर ही रहे हो। तो यहाँ पर शेयर चैट की जैसे मैंने बात करी, तो शेयर चैट का तो फंडा बिल्कुल ये है कि शेयर चैट पर आपने अपनी कोई भी वीडियो बनाते हो, उस वीडियो में अच्छे टैग्स डालते हो और टैग्स डालने के बाद उसको पब्लिक कर देते हो, और उसके बाद भी आप उससे स्कोर ले सकते हो, पॉइंट्स ले सकते हो, जिसकी वजह से आप पेमेंट भी अर्न कर सकते हो। लेकिन टैग और डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ तो टिकटॉक पर भी हैं भाई। आप उसमें वीडियोस बनाते हो, अच्छे वीडियो बनाते हो, वीडियो डालने के बाद भी आप उसमें टैग्स डालते हो ताकि रीच करे, और उसमें कुछ लिखते हो ऐसा देखिए, जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं टिल एंड या एंड तक देखना या कुछ ऐसा, तो लोग उसको एंड तक बन रहते हैं लेकिन आपके टैलेंट को देखने के लिए। वाकई अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट पर लोग रुके रहते हैं और उसको अच्छा अप्रिशिएट भी कर देते हैं। लेकिन शेयर चैट पर यहां पर एक खासियत है शेयर चैट की। शेयर चैट की खासियत क्या है, आपको अर्निंग का चांस तो दे ही रहा है, वो तो कोई डजंट मैटर, लेकिन आपको साथ साथ एक अर्निंग का पॉइंट स्टार्टिंग से देता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए टिकटॉक की, तो आपको टिकटॉक ना ही कोई ऐसा अर्निंग का पॉइंट देता है स्टार्टिंग में और ना ही कुछ ऐसा देता है, लेकिन हाँ आपकी मार्केट फेस वैल्यू ज़रूर देता है वो। तो जब मार्केट फेस वैल्यू आपको देगा तो कुछ टाइम हो सकता है आपको शेयर चैट टिकटॉक पर देना पड़े, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। शेयर चैट पर आपने वीडियोज़ डालनी है, वीडियोज़ डालने के बाद आपके स्कोर रैंक सब कुछ आ जाती है, और आने के बाद आप अर्निंग भी उससे कर सकते हो, जो ऑलमोस्ट बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे हैं। तो सभी लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या टिकटॉक अच्छा है शेयर चैट से, या फिर क्या शेयर चैट अच्छा है टिकटॉक पे, तो क्यों ना उस पर एक वीडियो बनाया। तो मैंने सोचा कि हाँ यार एक वीडियो बनानी चाहिए, तो वर्सेस मैंने टिकटॉक वर्सेस शेयर चैट कर दिया। तो आई होप कि आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा कि शेयर चैट पर आप अर्निंग का पॉइंट है, अर्निंग के साथ अपनी फेस वैल्यू बना सकते हो, लेकिन टिकटॉक पर आपको अर्निंग का पॉइंट नहीं है। मतलब एक टाइम बाद है जब आपका टैलेंट निकलता है, जब आप वायरल होते हो तब है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको मेहनत ज़्यादा करना है। चीज़ दोनों में वही निकल के आ रही है, उसमें भी वीडियो बना के टैग डाल के डाल देने हैं, सेम इसमें भी है, वीडियो बना के टैग डाल के इसमें भी डाल देने हैं, लेकिन इसमें आप अर्निंग कर रहे हो। और आज के टाइम में यार दो पैसा कहीं से मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि दो पैसा कमाने में मेहनत तो लगती है लेकिन जब कमा लेते हो तो मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर दबा दें, और आज के लिए बस इतना ही, बाय।